बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जंगल के कानून का जो मुहावरा बोला जाता है उसकी मिसाल हमारे मुल्क पर सादिक आती है। जिस शोबे की तरफ नज़र उठाकर देखें उसी में हमें जंगल का कानून नज़र आता है। हमारा ताल्लुक चूंकि तालीम के शोबे के साथ है तो तालीम के शोबे में भी इसे हम ज़्यादा बेहतर तरीके से जानते हैं। अभी जो इलेक्शन का जो मामला था, जो आईन दस्तूर के मुताबिक 90 दिन में होना थे, किस तरह ढटाई के साथ हमारे इदारों ने, हमारी हुकूमत ने उसकी मुखालफत की। मेरा मकसद किसी सियासी जमात की हिमायत करना नहीं है। मेरा मकसद है कि आईन और क्या दलील हमें, कहाँ से दलील हम देंगे कि हमने अपने मुल्क को किस तरह से चलाना है। एक किताब है, एक दस्तूर है जिस पर सबका इत्तेफाक है, 1973 का आईन, तमाम जमातों के मुतफिका इत्तेफाक राय से बनाया गया है। उसको इस ढटाई के साथ उसकी मुखालफत पर आमादा हो जाना, चाहे वो उनके अपने मफादात हों, हुक्मरानों के, जर्नैलों के, अशराफिया के तबके के, लेकिन उसके अलावा और कौन सी किताब है, कहाँ वो उसूल हैं, कहाँ वो जो तरीक़े हैं जिनके मुताबिक मुल्क को चलाया जाना है। हम मिसाल देते हैं, हमें तालीम का ज़्यादा पता है। तालीम में तो इस तरह की गुंडागर्दी है, इस तरह की अंग्रेज़ी गर्दी आप कह लें कि जिसकी मिसाल दुनिया में कहीं नहीं मिल सकती। देखें, एक ख़ास साजिश के तहत ये हम जब पढ़ते थे, बल्कि 9/11 से पहले की मैं बात करता हूँ, छठी जमात से अंग्रेज़ी शुरू होती थी और पूरे अंग्रेज़ के दौर में भी ऐसे ही था। पाकिस्तान बनने के बाद भी जो ऐसे ही है, 9/11 2000 तक, 2001 2003 तक ऐसा है। फिर जो है वो आहिस्ता आहिस्ता अंग्रेज़ी शुरू हुई, जो इंग्लिश टीचर भर्ती होना शुरू किए गए आहिस्ता आहिस्ता, और ये साम्राज्य इमदाद के साथ है। फिर साथ साथ निजी माफिया जो को परवान चढ़ाना शुरू किया गया। और अब जो सूरत हाल है कि पहली जमात से जो अंग्रेज़ी है, आप उस किताब को, जिसने देखा नहीं है वो उस पर तबसरा नहीं कर सकता, या जिसने पढ़ाया नहीं है, जिस उस्ताद ने बच्चों को, आम बच्चों को, वो उसकी मुश्किलात को नहीं जानता है। देखें, ये वो उन लोगों के लिए किताब लिखी है, ये पहली से पाँचवीं जमात तक और छठी से आठवीं जमात तक, ख़ास तौर पर उन बच्चों के लिए लिखी है जिनकी मादरी या कौमी ज़बान अंग्रेज़ी है। हमारे लिए नहीं लिखे। आप मशके देखें, चौथी पाँचवीं की जो इंग्लिश की किताब है उसके आखिर में जो मशके हैं, वो एक बी ए पास नहीं उन मशकों को हल कर सकता। यानी वो किताब को पढ़ के उसमें से जवाब अखज़ करके देना है। आप ज़रा, एक तो ये है कि कोई उस पर तज़िया करने वाला नहीं है, जैसे कि किसी साम्राज्य एजेंसियों का, एजेंटों का इतना कब्ज़ा मजबूत है कि उन किताबों को कोई सरकारी ऐसा प्लेटफार्म नहीं है कि उन किताबों का तज़िया करे कि आया हमारी कोई 90-95% या 99% आबादी इनको पढ़ सकती है, कोई उस्ताद ऐसा पढ़ा सकता है इनको। वो तो उन लोगों के लिए जिनकी मादरी ज़बान है अंग्रेज़ी, जो अपनी माँ के पास जिन्होंने सीखा है, माहौल में जिन्होंने सीखा है, वो उनके लिए है। हमारे लिए तो पहली से पांचवी जमात तक सादा सादा, अगर करनी भी थी तो सादा सादा फिक्रे जो है वो ए बी, बड़ी ए बी सी, छोटी ए बी सी, सादा सादा जुमले, दिस इज़ अ बॉय, दिस इज़ अ बुक, इस तरह का छोटे छोटे जुमले होते तो वो इस तरह की किताब होनी चाहिए थी। अगर बनानी, अगर ज़रूरत नहीं थी कि बच्चा थोड़ा बड़ा हो जाता है फिर किसी दूसरी ज़बान का आहिस्ता आहिस्ता उस पर बोझ डाला जाता है तो वो किसी हद तक सीख जाता है।
तो ये जो किताबें बनाई गई हैं, ये एक किताब सिर्फ जो है वो पहली जमात से आठवीं जमात तक जो अंग्रेज़ी की किताब है, मैं अहले दानिश से गुजारिश करूंगा, खुदारा उसको देखें, खोल के देखें और उसकी मशकें देखें, उसकी जुमले फिक्रे इतनी मुश्किल हो। वो MA लेवल की किताब है जो इन बच्चों को कैसे कोई पढ़ा सकता है और कैसे ये बच्चे पढ़ सकते हैं। इंसान सर पकड़ के बैठ जाता है कि बनाने वालों में क्या, बनाने वाले को मुल्क दुश्मन लोग हैं कि इतना उनका कब्ज़ा मजबूत है वजारतों पर, टेक्स्ट बुक बोर्डों पर, कि उसका कोई तज्जिया करने वाला नहीं है मुल्क के अंदर, या कोई उस पर बात करने वाला नहीं है। खामोशी से किताबों को, मुफ्त किताबों के उस साजिश में, जाल में लपेट कर जो है वो स्कूलों में भेज दिया जाता है। एक किताब ही बच्चों को पढ़ने से रोकने के लिए काफ़ी थी, और उसके साथ साथ फिर साइंस की किताब भी और अंग्रेज़ी की किताब भी 5वीं तक, वो ना साइंस की किताब, रियाजी की किताब भी अंग्रेज़ी में कर दी गई है। यार कोई पागलपन की भी कोई इंतहा होती है। हम आइन की बात करते हैं कि आइन की खिलाफ वर्जी है सरासर, कि जहाँ उर्दू नाफिज थी, उर्दू मीडियम निसाब राइज था, उसको उसको खुदेड़ कर, उसको निकाल कर वहाँ इंग्लिश मीडियम नाफिज किया गया है। दफ़ा 6 के तहत सजाए मौत है, लेकिन ऊपर जो तबका बैठा हुआ है वो वही है कि उसको कोई परवाह नहीं है कि मुल्क को कैसे चलाना है। इस तरह तो इस जो जिस मुल्क का कोई दस्तूर ना हो, दस्तूर को जिस तरह से पामाल किया जाता हो, वो कैसे मुल्क बच सकता है, वो टूटने से कैसे बच सकता है। हमारी समझ से बालातर है कि ये जंगल का कानून भी, जंगल में भी कोई, उसका भी कोई उसूल होता होगा, लेकिन यहाँ तो मिसालें देते हैं हमारे इमरान खान साहब, मिसालें देते हैं जी, चाइना ने इतने लोगों को, इतने साल में इतने लोगों को फांसी पर चढ़ाया, उनको सजाए मौत दी, और इसलिए उनका निज़ाम। सजाए मौत का तो हमारा आइन भी यही कहता है, लेकिन कौन इनको सजाए, जिनके हाथों में इख्तदार है, सजाए उनको कोई सजाए मौत दे सकता है? आइन से वो बालातर है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा 90 दिन में इलेक्शन कराओ, अब ये आइन कहता है हमारा, सुप्रीम कोर्ट या तो उसके ख़िलाफ़ जा रहा है, तो फिर बात है। फिर इतनी ढिठाई के साथ ये जो बलवा हुआ, ये कोर कमांडरों के घरों में घुस गए लोग, ये जितना नुकसान हुआ, ये आइन पर अमल ना करने की वजह से हुआ है, इस शिक पर, ख़ास तौर पे इस पर कोई बात नहीं करता। पकड़ लो जी, पकड़ लो, इधर ये हो गया, वो हो गया। तो जो बुनियादी दस्तूर है जो हमारा कहता है, योम दस्तूर मनाने वाले एक तरफ मना रहे हैं, दूसरी तरफ पांव तले रोंद रहे हैं उसको। और जो 6ठी जमात से 8वीं जमात तक की किताबें हैं, वो एक तो अंग्रेज़ी वही जी उसी तरह की है कि उन लोगों के लिए लिखी गई है जिनकी मादरी ज़बान अंग्रेज़ी हो, या तो यहाँ सारे जितने लोग नए पैदा होते हैं उनकी शादियाँ अंग्रेज़ औरतों से करवा दी जाएँ, तो तब है 1000 साल बाद भी हमारी कौमी या मादरी ज़बान अंग्रेज़ी नहीं हो सकती। तो उसमें फिर हिस्ट्री, तारीख़, हिस्ट्री के नाम से जो किताबें हैं वो अंग्रेज़ी में आई है, जुग्राफिया अंग्रेज़ी में, साइंस अंग्रेज़ी में, रियाजी अंग्रेज़ी में, और एक अंग्रेज़ी की किताब ही फेल होने के लिए काफ़ी थी, नाकाम होने के लिए काफ़ी थी। और अब जो बाकी कर दी गई हैं, इतना बड़ा जुल्म यार, क्यों किसी मुल्क के, जमहूरी मुल्क में हो सकता है कि जो आइन कहता है, दस्तूर कहता है कि आप उर्दू नाफिज करो, उसके मुताबिक सुप्रीम कोर्ट का फैसला, कौन लोग हैं यार, या ये चाहे जर्नैल हैं जो मुखालफत करते हैं, चाहे हुक्मरान हैं, चाहे अशराफिया का कोई तबका है, सबको, सबकी सजा सजाए मौत है। अगर ऐसा नहीं होता, इनको सजाए मौत नहीं होती, तो मुल्क को सजाए मौत हो जाएगी। मुल्क पहले जो 2 लख्त हमने कर दिया, कहते थे जी रमज़ान शरीफ में बना है, तो रमज़ान शरीफ में जो बना था वो हो गया हमारी करतूतों की वजह से, 2 लख्त हो गया, तो ये भी हो जाए, ये भी टूट जाएगा, टूटने की तरफ तेज़ी से जा रहा है।
जिसका कोई कानून नहीं है, जो अमल करने के लिए तैयार नहीं है, हर शोबे में आइन को पामाल किया जा रहा है, जो तबका है वो पामाल कर रहा है, तो इस तरह कितनी देर तक ये रियासत चल सकती है? मैं नहीं समझता कि ये मुल्क की बका किसी सूरत में मुमकिन है, जिस अंदाज से आज सूरत हाल पैदा हो रही है। तो मेरी अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला इनको होश के नाखून लेने की तौफीक दे।